अस्सलाम वालेकुम। आज हम PTCL मॉडम के ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। इससे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का IP स्टैटिक बनाना होगा और पोर्ट का इनबाउंड रूल क्रिएट करना होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उन वीडियोस का, आप वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मेरे पास PTCL का जो लेटेस्ट मॉडम है वो है इस वक्त, और हम इसी पे ही पोर्ट फॉरवर्डिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले जो आपको करना है वो गूगल पर जाना है, और या आप किसी भी अदर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने लैपटॉप का फाइंड करना है डिफ़ॉल्ट गेटवे, जिसको हम कहते हैं सेटिंग्स, जिससे ओपन होती हैं। तो वो मैं IP कॉन्फ़िग के साथ CMD के ऊपर भी कर सकता हूँ, और मेरे राउटर के बैक साइड पर भी लिखा हुआ है वो IP एड्रेस, और उसके साथ साथ उसका नाम और उसका पासवर्ड भी लिखा हुआ है। तो ये मुझे अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा ऊपर, और पासवर्ड और यूज़र नेम मुझे देना होगा। उसके बाद लॉगिन करूँगा। इसके बाद मुझे नेट की सेटिंग्स ढूँढनी है, क्योंकि नेट की सेटिंग्स आप पूरे राउटर में जब देखेंगे तो मेरे ख्याल से मेरे में तो एडवांस सेटिंग के नीचे है, आपका और कहीं पर भी हो सकता है। तो उसके अंदर मुझे वर्चुअल सर्वर्स पे आ जाना है, वहाँ पे एक नया वर्चुअल सर्वर ऐड करना है। अगर आप किसी CCTV या अगर आप किसी गेम के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसको SQL सर्वर के लिए कर रहा था। तो मैं यहाँ से कस्टम अपनी टाइप कर देता हूँ, और यहाँ से लैन नेटवर्क को इनेबल कर देता हूँ। अपना अब सिस्टम का जो मेरा IP है मैं यहाँ पर वो टाइप करूँगा, और जो कि मैं यहाँ से IP कॉन्फ़िग की कमांड से निकाल सकता हूँ। इसके अलावा आपने अब स्टेटस को अनेबल कर देना है, और अपनी पोर्ट इसके अंदर लिख देनी है। सो अप्लाई और सेव करेंगे। ये सेटिंग्स इनफ हैं पुराने मॉडल्स के लिए, जितने भी पुराने हैं मॉडल्स हैं उनके लिए ये सेटिंग इनफ है। पर अब जो नया मॉडम आया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, पोर्ट ट्रिगरिंग करनी पड़ती है, और DMZ होस्ट भी टाइप करना पड़ता है। तो पोर्ट ट्रिगरिंग की भी सेटिंग सेम ही है, वो भी मैंने कर दी है, और ये DMZ होस्ट भी मैं कर देता हूँ। इनेबल लैन लूपबैक भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे SQL सर्वर के लिए मुझे वो लैन लूपबैक की ज़रूरत है। आपको CCTV के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और मे भी आपको गेम्स के लिए ज़रूरत ना पड़े। पर आप इसको चेक करने के लिए canyousee.me.org पर जाके अपनी पोर्ट दे दें, और यहाँ आप देख सकते हैं कि पोर्ट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है।